दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि आप एनटीएम के वैलेट से अपना मोबाइल कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना मोबाइल बहुत ही आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं और अपनी आईडी को भी अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनटीएम का ऐप को ओपन करते ही डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड को स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हुए रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रिचार्ज, डीटीएच का रिचार्ज सभी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर को ध्यान से भरना है। कई बार जल्दबाजी में हम गलत भर जाते हैं, तो अगर गलत रिचार्ज हो गया तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो अपना जो नंबर है उसको वेरीफाई करें अच्छे से, उसके बाद ऑपरेटर और अपना जो स्कीम में जो ऑफर है, जहाँ कोई रिचार्ज कौन सा है, उसको आप करने से पहले ज़रूर चेक कर लें और अपना जो सर्कल है उसको सही सर्कल भरें, ताकि जो प्रॉपर आपका जो रिचार्ज वो सक्सेसफुली डन हो जाए। उसके बाद अमाउंट भरनी है आपने, बिलिंग जो टाइप है वो अपग्रेड है, और उसके बाद गो टू रिचार्ज। यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी, आपका मोबाइल नंबर सबसे पहले अपने, फिर मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, अमाउंट, ऑपरेटर, सर्कल, ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर वेरीफाई करनी है। और उसके बाद आप अपना पिन भरेंगे, पिन भरने के बाद आपने ओके प्रेस करना है। देन कुछ सेकंड लगेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग को, तब तक हम वेट करते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना मोबाइल नंबर, ऑपरेटर, सर्कल और रिचार्ज की अमाउंट, उसको जरूर आपने यहाँ पे कौन सा प्लान आपने लेना है वो रिचार्ज करने से पहले ज़रूर आपने चेक कर लेना है। अगर गलत रिचार्ज हुआ तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। रिचार्ज सक्सेसफुली डन हो गया और जहाँ पे रिचार्ज साथ के साथ सक्सेसफुल हो जाता है और आपकी आईडी भी साथ के साथ अपग्रेड हो जाती है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।